हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीसी लाइनअप। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइजन के लेटेस्ट प्रोसेसर 4000 सीरीज के बारे में, जो कि एपीयूज है और ये 21 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ 22 जुलाई को, एक दिन बाद, कुछ लोगों के रिव्यू देखने के बाद और अपने क्या विचार है उसके बारे में बताने वाला हूँ। राइजन ने इस 2020 में तो कमाल ही कर दिया भाई। 3300X, 3100X, 3000 की XT सीरीज, फिर 3600XT, 3800XT, इतने सारे प्रोसेसर, मतलब इंटेल का तो कहीं मतलब, और इंटेल बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है और ना ही कोई ऐसे प्रोसेसर लेकर आ रहा है जिससे वो कंप्लीट कर सके। उसके पहले से जो प्रोसेसर हम जो भी एएमडी के प्रोसेसर है उनके साथ जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम जो वही इंटेल के पुराने प्रोसेसर को उठा के कंपैरिजन कर रहे हैं। और इंटेल कोई प्रोसेसर नया या फिर कोई भी कंप्लीट करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेसर लेके ही नहीं आ रहा मार्केट में, ताकि हम इन चीजों की कंपैरिजन कर पाए। और एएमडी के ना AMD के प्रोसेसर मार्केट में भर रहे हैं कि अगर मतलब एक साल तक अगर AMD अपना APUs या CPUs लॉन्च ना करे, तभी भी इसके बाद इतने CPUs है कि वो कंप्लीट करने के लिए बहुत है। ठीक है, AMD का मार्केट में सिर्फ एक ही कंपटीटर है, वो है इंटेल। इसके अलावा और कोई कंपटीटर नहीं है और वो भी ठीक से कंपटीट नहीं कर पा रहा है। इंटेल जो भी प्रोसेसर लेके आता है वो अपने बस एक साल में एक एक ही मतलब एक ही जनरेशन प्रोसेसर आते हैं। लेकिन अब ये देख लो AMD के केस में कि इसके 3000 सीरीज के जो प्रोसेसर है, पहले XT सीरीज आया एक्सटेंडेड वर्जन, जो कि वो कुछ उन्होंने उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, हालांकि कुछ कुछ खास था नहीं XT वर्जन में, मतलब हाइप बना रखा था इतना कुछ। ठीक है, अभी जो प्रोसेसर आए हैं वो कुछ तीन प्रोसेसर आए हैं, राइजन 7 4700G, राइजन 5 4600G और राइजन 3 4300G, और इसी का GE वर्जन। अब ये GE वर्जन क्या है, नया क्या है, सिर्फ नाम के आगे सिर्फ जी के आगे ई जोड़ दिया है। और ई से क्या समझ में आता है, इकोनॉमी वर्जन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जी जो वर्जन है वो जस्ट इसमें TDP कम कर दिया है, जो थर्मल डिजाइनिंग पावर है उसकी। आप राइजन 7 4700G की देखोगे तो 65 वॉट तीनों की, 3600G, 4700G और 3400G, इन दोनों की जो TDP है वो 65 वॉट की है। लेकिन अगर आप राइजन 7 4700G वर्जन में जाओ तो उसकी TDP कम हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम है और थोड़ी क्लॉक स्पीड भी कम हो जाती है। अगर आप बेस क्लॉक की बात करो तो 3.6 GHz राइजन 7 4700G के केस में, और 4700GE के केस में 3.1 GHz वही बेस क्लॉक स्पीड। बूस्ट क्लॉक स्पीड में भी फर्क है, 100 MHz का 4.3 GHz इसकी बेस क्लॉक स्पीड है और बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4700GE की, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और 4700G की जो बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 4.4 GHz है, 100 MHz का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, AMD राइजन 5 4600G के पास जाओ तो आपको यहाँ पे बेस क्लॉक का स्पीड मिलता है 3.6 GHz और इसमें 4600G में मिलता है आपको 3.3 GHz। इसमें भी आपको यहाँ कम से कम 400 MHz का डिफरेंस दिखता है, काफी ह्यूज डिफरेंस होता है ये प्रोसेसर के मामले में। ये जो प्रोसेसर बनाए हैं ये मतलब ये बजट में रहने के लिए बनाया है, और इसकी प्राइसिंग भी इस हिसाब से वेरी करेगी जिस हिसाब से हम प्रोसेसर खरीदोगे उस हिसाब से। और ये इंटीग्रेटेड GPU के साथ आते हैं, और ये उन लोगों के लिए जो मतलब जब अपना PC बिल्ड करते हैं उसके कुछ सालों बाद का ही डिफरेंस होता है उनमें, कि वो एक साल के बाद ही जाके वो कुछ अपने लिए एक डेडिकेटेड GPU अलग से खरीद पाएंगे उनके लिए। और रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड जो इसका जो इंटीग्रेटेड आता है वो काफी मतलब काफी कम चला देता है, और आप एक नॉर्मल गेमिंग भी कर पाएंगे इस पे, नॉर्मल क्या एक ढंग की गेमिंग भी कर पाएंगे। जो ये प्रोसेसर है काफी हाई एंड के प्रोसेसर है, ठीक है, इनको ये कम नहीं है इनसे, और काफी अच्छे, और ये नए आर्किटेक्चर बेस्ड है, 7 नैनोमीटर बेस्ड है। और इंटेल के केस में देखो ना 125 वॉट की उसकी TDP है, अभी भी वो कम नहीं हो रही। AMD मतलब ऊंचाइयों पे जा रहा है लेकिन इंटेल वहां खड़ा खड़ा देख रहा है कि करना क्या है उसको आगे और क्या करेगा वो, मुझे ये फ्यूचर में कुछ डिसाइडेड नहीं है, ना ही उसके कुछ लीक्स या कुछ रूमर्स आ भी नहीं रहे हैं ताकि हमें कुछ पता चले इंटेल के अपडेट्स के बारे में। लेकिन कुछ तो करेगा इंटेल, इतना तो चुप बैठने वाला नहीं है, हम सब वेट करते हैं, देखेंगे क्या होने वाला है। लेकिन राइजन के केस में तो भाई अपडेट मिल ही जा रहे हैं, 3000 सीरीज का पहले इतना रूमर चला, लीक्स आने लगे, फिर XT के प्रोसेसर आ गए, फिर उसके बाद राइजन 7 के प्रोसेसर आ गए, 4700G, 4600G, 4300G, फिर उसके साथ GE का वर्जन भी देखने को मिला जो कि कम TDP के साथ है, थोड़ा सा मतलब बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक स्पीड जो कम है, लेकिन ये भी प्रोसेसर उतने ही तगड़े जितने की ये 4700G वाले हैं। ये थोड़े हाई एंड के हो जाते हैं और इनके प्राइस का भी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। और बात करें अभी जो ये चिपसेट की, कि कौन से चिपसेट ये सपोर्ट करेंगे, तो मैं बता दूं ये नए चिपसेट सपोर्ट करेंगे 400 और 500 सीरीज के जो मदरबोर्ड है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, X370 और B50 को नहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, कमेंट में कोई भी सजेशन हो किसी भी चीज के लिए, कुछ भी अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, और साइड में
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी आपको पसंद आता है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक करो, नहीं अच्छी लगती हो तो डिसलाइक करो। कुछ कमेंट में अपना सजेशन लिखो ताकि हम अपनी वीडियो को मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। और आपका क्या राय है इसके बारे में, AMD Ryzen 4700G का जो प्रोसेसर है, ठीक, आपने 3400G भी देखे होंगे।